नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं या समतुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर अंश कहें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही शून्येतर यानी नन जीरो पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर जो परिमेय संख्या मिलती है उसे उस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह परिभाषा क्या कह रहा है। पहला उदाहरण हमने लिया है -3/4 और -6/8 समतुल्य परिमेय संख्या है। अब ये कैसे है, क्यों है, क्यों इसे हम कह रहे हैं कि ये दोनों समतुल्य परिमेय संख्या है? क्योंकि -3/4 बराबर, अगर हम इसे एक ही पूर्णांक से गुना करें और वो पूर्णांक हम ले रहे हैं 2, तो हमारा आ जा रहा है -6/8, -6/8। तो परिभाषा आपने देखा कि एक ही शून्येतर से हमें गुना या भाग करें, तो यहां हमने गुना किया तो ये देखिए दूसरा आ गया, -3/4 था और इक्वल टू हो गया -6/8। तो ये दोनों समतुल्य परिमेय संख्या है जो परिभाषा हमने देखा था। अब उदाहरण 2 देखते हैं। यहां क्या है, -4/6 और -2/3 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि अगर -4/6 इसको हम एक ही नन जीरो पूर्णांक से भाग देते हैं और वो नन जीरो हमारा यहां है 2/2, तो ये क्या आ जा रहा है, -2/-3। देखिए हमने जो परिभाषा दिया था उसमें क्या था, फिर से एक बार परिभाषा को देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर जो परिमेय संख्या मिलती है उसे उसे उस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले वाले उदाहरण में हमने एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना किया था और दूसरे वाले में हमने भाग दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि -3/4 और -6/8 समतुल्य परिमेय है और ठीक इसी तरह से -4/6 और -2/3 समतुल्य परिमेय संख्या है। आशा है ये समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है आप समझ गए। अब आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये यहां पर 4 क्वेश्चन है, A, B, C, D, इन सभी का 3-3 परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो पहला वाला लेते हैं A, तो इसे इस तरह से करेंगे, 2/5 का पहला, 3 करना है ना, तो ये पहला पहला समतुल्य परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, हम 2/5 को किसी भी संख्या से गुना कर दें, चलिए 2 से गुना करते हैं, तो ये हो जा रहा है 4/3।
10, एक समतुल्य मिल गया। अब इसी तरह से दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या बराबर 2/5 और ये अंश और हर को गुना इस बार हम कर रहे हैं 3 से, आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, 6/15 ये दूसरा हो गया। अब इसी तरह से तीसरा तो ये 2/5 को अंश और हर दोनों को हम 4 से गुना कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है 8/20। तो इस तरह से 2/5 का 3 समतुल्य हो गया हमारा 4/10, 6/15, 8/20। यहां हम लिख भी सकते हैं, इसलिए 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं कौन कौन सा, 4/10, 6/15 और 8/20। यह महत्वपूर्ण बात, एक चीज और ध्यान रखें कि यहां हमने पहला में 2 से गुना किया, दूसरे में 3 से किया, दूसरे में 3 से किया और तीसरे में 4 से किया। आप 2, 3, 4 जो हमने लिया इसके जगह पर आप कोई दूसरी संख्या भी लेंगे तो भी समतुल्य परिमेय संख्या निकलेगा। इसलिए अगर आपकी किताब में आंसर में इससे कुछ अलग रहे तो आप घबराइए नहीं, वो अलग भी हो सकता है, है ना। अगर हमने यहां पर 2 लिया, 2 की जगह 5 ले लेते तो क्या हो जाता है, ये इसको 5 से गुना करते 2 को और 5 को 5 से गुना करते तो एक अलग परिमेय संख्या निकल जाता, एक अलग समतुल्य परिमेय संख्या निकल जाता। और दूसरी चीज है कि यहां 3 दिया हुआ है, अगर 3 के अलावे हो सकता था कि 5 समतुल्य परिमेय संख्या पूछा जाता तो बस इसी क्रम में हम चलते जाते, 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, फिर 5 से करते, फिर 6 से करते, ऐसा ही। तो बाकी जो बी सी डी है इसे ठीक इसी तरह से आप खुद से बनाएं, है ना। तो मुझे पूरी आशा है कि आप ये समतुल्य संख्याएं कैसे निकालते हैं आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। धन्यवाद।